नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो सभी की फेवरेट है और ये बिल्कुल कॉमन है हम सभी के घर में बनने वाली। जी हाँ, ये है राजमा चावल, लेकिन आज इसको हम बिल्कुल नए अंदाज में बनाएंगे और बिल्कुल मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ऐसी रेसिपी आपने कहीं पर भी नहीं देखी होगी। और इस रेसिपी का नाम है राजमा दमदार और इसको हम बिल्कुल एक नए तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे और ये यकीनन आप सभी को बिल्कुल जब आप इसको बनाएंगे तो बहुत ही पसंद आएगी और आपके फैमिली मेम्बर्स को भी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और इस रेसिपी को हम स्टार्ट करेंगे इसके बढ़िया से एक मसाले के साथ। तो इसके लिए मैंने ये दो तेज पत्ता लिए हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा है, चार पांच छोटी इलायची है, दो मोटी इलायची, एक जावित्री का टुकड़ा है, थोड़ी सी लौंग है, काली मिर्च के लिए है मैंने लगभग हाफ टी स्पून और ये थोड़ा सा मेथी दाना है और ये मैंने हाफ टी स्पून लिया है अजवाइन। अब इसमें हम डालेंगे 1.5 टीस्पून के करीब जीरा, साबुत जीरा है और अब इसको हम भूनेंगे। बिल्कुल लाइट हमें भूनना है इसे, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है मसाले का, बिल्कुल लो फ्लेम पर भूने जिससे अच्छे से मसाला सब भून जाएगा और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसमें दोस्तों मैंने ये एक आधा नटमैग भी लिया है, जायफल, ये काफ़ी स्ट्रांग फ्लेवर का होता है इसलिए हाफ ही लिया है मैंने। तो देखिए मसाला मैंने भून लिया है, अब मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और इसके साथ इसमें डाला है 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर। अगर आपके पास साबुत धनिया है तो आप इसको भूनते टाइम डाल सकते हैं, मैंने गैस को ऑफ रखा हुआ है। और अब इस मसाले को हम ठंडा करने के लिए एक साइड में कर देंगे। ये मैंने राजमा भी बॉईल कर लिए हैं और राजमा को मैंने केवल 1 घंटे के लिए सुबह मॉर्निंग में इसको भिगो के रख दिया था हल्के गर्म पानी में और उसके बाद मैंने लगभग 3 गुना पानी डालकर इसको बॉईल कर लिया है, नमक डालकर लगभग 20 से 25 मिनट के लिए और खूब अच्छे से बॉईल हो गए हैं, काफ़ी अच्छे कुक हो गए हैं, राजमा गल गए हैं। अगर आपको लंच में राजमा बनाने हैं तो इनको रात भर भिगोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप मॉर्निंग में इन्हें गर्म पानी में भिगोइए और सुबह थोड़ा सा इसमें जब बॉईल करने हो तो ताज़ा पानी डाल के इसको बॉईल कर लीजिए, बिल्कुल आराम से उबल जाते हैं। तो चलिए इसे स्ट्रेन कर लेते हैं क्योंकि इसका हमें पानी अलग करना है और राजमा अलग करने हैं। तो ये हम राजमा अलग कर लेते हैं, इसको पानी को फेंकना नहीं है क्योंकि ये ग्रेवी के लिए हम ये पानी यूज़ करेंगे। और अब एक साइड में हम 3 टेबल स्पून देसी घी गरम करेंगे, बिल्कुल हमें बिल्कुल स्मोकी स्टेज तक इसको गरम करना है जब तक इसमें अच्छे से स्मोक ना आने लग जाए क्योंकि ये है इस रेसिपी की जान। और इसको डालने में बिल्कुल भी आप कंजूसी ना करें, अगर आप पंजाबी स्टाइल में राजमा बनाना चाहते हैं आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप हाफ देसी घी ले लें और हाफ रिफाइंड ले लें, लेकिन अगर हम जब हम पंजाबी स्टाइल में इसको बना रहे हैं तो इसमें हम डालेंगे बिल्कुल भरपूर देसी घी। अब इसको हमें बिल्कुल इस स्टेज में लाना है जब तक इसमें धुआं ना निकलने लगे। तो देखिए अच्छे से हीट आ रही है इसमें और थोड़ा धुआं भी निकलना शुरू हो गया, मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और एक साइड में रख देते हैं। अब हम मैंने अभी गैस को ऑफ रखा हुआ है और एक कढ़ाई में हम डालेंगे राजमा और इसके ऊपर हम डालेंगे स्लिट किया हुआ ये मिर्ची, हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मैंने अदरक के जूलियंस लिए हैं, स्लाइसेस में कट किया हुआ अदरक है ये। और इसके बाद डालेंगे हम स्लाइसेस में कट किया हुआ प्याज, आप बारीक कट करके भी डाल सकते हैं अगर आप लंबे अगर ऐसे ना खाना चाहें तो। और लगभग ये 3 बड़े टमाटर हैं जिनको इनको भी मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। और इसके साथ साथ डालेंगे इसमें पिसा हुआ मसाला जो कि हमने भून कर रखा हुआ था। अब इसको मैंने अभी गैस को ऑफ ही रखा हुआ है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अभी सारा मिक्सचर जो भी सब्जियां हैं और ये सब मसाले अच्छे से राजमा में मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर आपको लग रहा होगा कि ये किस टाइप की रेसिपी बन रही है, कि इसमें ना कोई तड़का लगाया है ना कुछ और ये किस तरह से राजमा बने हैं, लेकिन यकीन मानिए कि बहुत ही टेस्टी लगेंगे आपको ये राजमा। तो चलिए इस पर हम डाल देते हैं हल्दी पाउडर थोड़ा सा 1 टीस्पून और 1 टीस्पून में डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च है जिससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अब इस पे हम डालेंगे बिल्कुल गर्मा गर्म देसी घी जो हमने बिल्कुल बहुत अच्छे से गर्म किया हुआ है, इसको चारों तरफ फैलाकर अब बिल्कुल फौरन हमें इसके ऊपर लिड लगा देनी है जिससे कि सारे फ्लेवर्स जो है अंदर ही रह जाएं और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाए देसी घी का इन मसालों के साथ। और इसको 5 मिनट के लिए इसको ढककर रखेंगे हम और इसके बाद हम ये पानी डालकर बॉयल करने रख देंगे। तो देखिए पानी बॉईल करते हुए भी 5 मिनट हो चुके हैं और अच्छे से एक बॉईल आ गया है। और इसमें अब यहाँ पर हम नमक डालेंगे क्योंकि नमक थोड़ा सा हमने कम लग रहा था मुझे, मैंने थोड़ा टेस्ट करके देखा तो अब ये अब थोड़ा सा और हमें बॉईल करना है, ये बहुत जल्दी राजमा बन जाते हैं। अब इसको ढक देंगे और इसी फ्लेवर्स में ही इन्हीं मसालों के साथ इसको हम पकने देंगे लगभग 10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए। तो लगभग 15 मिनट हो गए हैं और ये देखिए ऊपर सारा घी भी तैर कर आ गया है और सारी सब्जियां बिल्कुल गल चुकी हैं, टमाटर प्याज सब गल चुके हैं। आप चाहें तो बिल्कुल बारीक करके भी डाल सकते हैं अगर आप ऐसे लंबे खाना ना चाहें तो, अगर
आपके बच्चे या फैमिली मेम्बर्स किसी को अगर पसंद ना हो ऐसे स्लाइसेस में कट किए हुए, तो आप इसको बारीक करके भी डाल सकते हैं। तो बिल्कुल रेडी है अब हमारे राजमा, और बहुत जल्दी बन जाते हैं ये, 15 मिनट में बिल्कुल रेडी हैं। अब इसको गार्निश करेंगे हम कोरिएंडर से, धनिया पत्ती से, और इसके डंडियां भी ज़रूर डालनी चाहिए धनिया की, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो मेरे राजमा बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए, इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे जीरा राइस के साथ। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर इसको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगेंगे यकीनन, मैं 100% गारंटी ले सकती हूँ, ऐसी रेसिपी आपने कहीं नहीं देखी होगी। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाइए। इस बार जब भी आप राजमा बनाएं तो इस तरह से बनाकर ज़रूर देखिएगा, आप यकीनन आपको बहुत ही पसंद आने वाली है रेसिपी। तो ये रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और साइड में एक बेल आइकन भी आता है जिसे आपको प्रेस करना है, जिससे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में ऐसे ही किसी बढ़िया सी रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, नमस्कार।